अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका प्रोफेसर मजरुल कुरैशी और आप देख रहे हैं PFG न्यूज। एक अरसे से मैं ईरान की तजारत के बारे में आप दोस्तों को बता रहा हूं और बेशुमार वीडियो मुख्तलिफ मौजूआत की अपलोड की हैं। दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप में और मैसेजेस में ये कहा था कि देखें, तजारत तो अपनी जगह पे दुरुस्त है लेकिन उस मुल्क की ज़बान हमें बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यानी फ़ारसी ज़बान हमें चूँकि नहीं आती और वहाँ के लोकल छोटे दुकानदारों को इंग्लिश नहीं आती तो हमारी कम्युनिकेशंस उनसे सही तरह नहीं हो पाती, इसका कोई हल निकाले। मैंने एक अरसे से फारसी पढ़ानी छोड़ दी थी लेकिन चूँकि दोस्तों का बेहद इसरार था तो अब मैंने दोबारा आप दोस्तों की खुशनुदी के लिए फारसी की ऑनलाइन क्लासें, ऑनलाइन तो नहीं हम इसे कह सकते, मैं उसकी वीडियोस बना के फारसी उर्दू बोलचाल की वो आपके सामने पेश करता रहूँगा ताकि आप उसको देखें, उसके असबाक, उसके सबक, उसकी ग्रामर, और वो आप उसको समझें। तो इंशाल्लाह 15 दिन अगर मेरी वीडियोस को आप वाच करते रहेंगे तो आपको फारसी बोलना आ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। सिलसिले में मैंने फारसी उर्दू बोलचाल की एक किताब भी मुरत्तब की हुई है। तो मैं ग्रामर पर बहुत कम जोर देता हूँ, वकेबलरी पर ज़्यादा ज़ोर देता हूँ और जुमलात पर ज़्यादा ज़ोर देता हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं उर्दू में, उसको कैसे पुकारते हैं, किस नाम से पुकारते हैं और फ़ारसी में उसको किस नाम से पुकारते हैं, इस पे तवज्जो दिलाता हूँ। और फिर मैं ज़्यादातर जो मस्दर हैं उसको बताता हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मस्तर ना याद करें और उर्दू की पहचान मस्तर की क्या है और फ़ारसी की पहचान क्या है और जुमले में आप कैसे उसको मस्तर को इस्तेमाल कर सकते हैं या करेंगे। और एक और चीज़ है, मेरा पढ़ाने का स्टाइल बिल्कुल मुख्तलिफ है दूसरे अहबाब से और मैं इंशाल्लाह अपने शागिर्द को फौरी तौर पर बोलना सिखा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में 20 मई को पहली वीडियो फारसी उर्दू बोलचाल की आपके सामने पेश करूँगा जिसमें इब्तदा होगी और उसको मैं वीडियो का नंबर भी दे दूँगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कि अगर आप बाद में भी इसको देखें, वाच करें तो आपको परेशानी ना हो। तो इसमें कोई शक तो नहीं है और मैंने उन दोस्तों की बात को मान लिया है कि जिस मुल्क में आप जाते हैं वहाँ की ज़बान अगर आपको आती है तो आप एक फैमिली मेंबर बन जाते हैं। जो ताजर हमारे चाइना के साथ काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े ऐसे ताजरों को जानता हूँ जो चीनी ज़बान भी बोल सकते हैं। मुझे एक साहब ने मैसेज किया कि वो रूस के साथ कोविड से पहले बिज़नेस करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे, तो वो कहते हैं कि मुझे रशियन लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से आती है। तो ये 3-4 ज़बानें हैं जिसके ऊपर आपको तवज्जो देनी चाहिए। अरब कंट्री में अरबी है, ये फारस माशरा है इसमें फ़ारसी ज़बान है, चाइना के साथ जो ट्रेड करते हैं उनको चीनी ज़बान आनी चाहिए, रशिया के साथ जो ट्रेड करते हैं
ان کو رشین زبان آنی چاہیے، اور انگلش تو انٹرنیشنل زبان ہے، وہ تو ہر جگہ پہ سمجھی اور بولی جاتی ہے، لیکن ایران میں ذرا پوزیشن ایک مختلف ہو جاتی ہے. پڑھے لکھے لوگ انگلش جانتے ہیں، ہائی پروفائل کے بزنس مین انگلش میں بات کرتے ہیں، لیکن آپ جب چھوٹے تاجر کو ملتے ہیں تو وہ انگلش ہماری طرح گزارا ہی موافق ان کا ہوتا ہے، دو تین جملے کے بعد ان کی انگلش بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کو ان کی فارسی زبان آتی ہوگی تو پھر تو کمال ہی ہے. دوستو یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن ویڈیو تھی جو 3-4 منٹ کی بنے گی، تو یہ آپ کے سامنے پیش کرنی تھی. یہ ایک صرف پیغام تھا جو میں نے آپ تک پہنچانا تھا، اور انشاءاللہ ہم اس کو 20 مئی سے اپنی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا، اور اس کو نمبرنگ بھی دے دوں گا، اور آپ اس کو ضرور واچ کیجئے گا اور فارسی زبان سیکھیں. الحمدللہ آپ نوجوان میں قابلیت ہوتی ہے، وہ آپ جلدی فارسی سیکھ جائیں گے، اور پھر آپ ایران میں جب تجارت کے لیے جائیں گے تو انجوائے کریں گے ان کے ساتھ جب آپ گفتگو کریں. پروفیسر مظہر اللہ قریشی کو اجازت دیں، اللہ نگہبان.